तो आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से चेंज। तो आज जो की बात करने वाले यहाँ पे आईआरबी जीडी भर्ती के बारे में, तो आप सबको पता है कि आईआरबी की तरफ से जीडी की जो 17,000 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जम्मू एंड कश्मीर आईआरबी जीडी की वैकेंसी के बारे में कि जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट के लिए 5,000 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। जिस तरह पुलिस होती है उसी तरह मैं आपको बता दूं आईआरबी वाले होते हैं, ठीक है। आईआरबी का मतलब होता है इंडियन रिजर्व बटालियन, ठीक है। आपको बता दूं जेकेपी पुलिस के साथ ही ये मिलके काम करेंगे। आप सबको बता दूं जैसे कोई ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, यहां पे रिसर्च ऑपरेशन जो चलते हैं उसके साथ यहां पे आईआरबी की जो टीम है वो यहां पे रहती है। जेकेपी पुलिस की हेल्प के लिए हमेशा जो आईआरबी की जो टीम है वो यहां पे रहती है, किसी भी स्टेट के अंदर हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, जैसे कि झारखंड पुलिस होगी उसके साथ यहां पे ये रहेगी रिसर्च ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो इसके अलावा इस भर्ती के बारे में और भी आपको जानकारी देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें आपका फिजिकल होगा और आपका रिटन एग्जाम होगा। फिजिकल और रिटन एग्जाम के ऊपर ही जो आपकी सिलेक्शन है वो यहां पर डिपेंड करेगी, खासकर रिटन एग्जाम के ऊपर, क्योंकि इसका जो फिजिकल है उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे रिटन एग्जाम के, ठीक है। तो आपके सिलेबस को देखते हुए हमने आपके रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए, आईआरबी जीडी की तैयारी के लिए हमने उपाटन क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ तैयार किए हैं, ठीक है। हमारे पास इसके 25 पीडीएफ हैं जिनमें आपको 3,000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं अगर आप यहां पे जी हमसे क्वेश्चन लेते हो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से तैयारी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे जो 25 पीडीएफ पढ़ लेते हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपका आसानी से आपका जो एग्जाम है वो यहां पर क्लियर हो सकता है अगर आपकी मेहनत अच्छी हुई और अगर आप हमारे पीडीएफ से यहां पे अच्छे से तैयारी करोगे। क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी जो मार्केट में बुक है वो यहां पे नहीं आई है और हमने आपका सिलेबस देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो यहां पे तैयार किए हैं। 25 पीडीएफ हैं जिनका प्राइस सिर्फ हमने यहां पे छोटा सा प्राइस रखा है, सिर्फ 250 रुपया, ठीक है। 250 में हम इसके 25 पीडीएफ दे रहे हैं जिनमें आपको आईआरबी के पूरे सिलेबस के जो क्वेश्चन है आपको यहां पे मिलेंगे। और आपको अगर ये पीडीएफ लेने, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8492093018, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले आपको 250 रुपया पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे आप पेमेंट करोगे हम उसी टाइम जो क्वेश्चन है वो आपके जो क्वेश्चन आंसर के जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए 5,000 वैकेंसीज निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें 10th पास इसमें सिंपल आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करूं तो आपको बता दो 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक जो आपकी एज है वो यहां पे रखी गई है। एससी और एसटी वालों को यहां पे 5 साल की जो एज में छूट है वो यहां पे दी जाएगी। ओबीसी वालों को 3 साल की जो एज में छूट है वो यहां पे दी जाएगी। आपकी एज एक दिन भी यहां पे 18 साल से कम होगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे की तरफ लेके चलूं तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपकी हाइट है 170 रखी गई है, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो सुन लीजिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लड़कों के लिए जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 165 सेंटीमीटर, यानी कि 165 सेंटीमीटर। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लड़कियों के लिए जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 155 सेंटीमीटर, यानी कि 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूं 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाब मारना पड़ेगा। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर वालों को 2 सेंटीमीटर की जो चेस्ट में शूट है वो यहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा आगे लेके आपको चलूं तो आप सभी यहां पे इसका फिजिकल भी देख सकते हैं। काफी सारे लड़के बोल रहे थे सर इसमें 5 किलोमीटर रनिंग है। भाई देखिए वो भर्ती कोई पुरानी होगी जिसमें 5 किलोमीटर रनिंग थी, लेकिन जो नई भर्ती का शेड्यूल आया है वो आपके सामने, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें 1600 मीटर आपकी रनिंग बताई गई है, 6 मिनट और 30 सेकंड आपको मिलेंगे लड़कों को, 6 मिनट और 30 सेकंड 1600 मीटर रनिंग के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग रहेगी और 4 मिनट का यहां पर टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप रहेगा 12 फीट और 3 चांस आपको मिलेंगे। और आपको बता दूं लड़कियों के लिए यहां पे 9 फीट लॉन्ग जंप रहेगा, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात कर लो 3 फीट 9 इंच आपका हाई जंप रहेगा जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। लड़कियों के लिए 3 फीट जो हाई जंप है वो यहां पे रहने वाला है, लड़कियों को भी यहां पे 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस का मतलब अगर आप पहली बार में पास नहीं कर पाओगे आपको दूसरा चांस मिलेगा, दूसरी बार में पास नहीं कर पाओगे तीसरा चांस मिलेगा, तीसरी बार में पास नहीं कर पाओगे तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात
कर लूं इसके ऑनलाइन फॉर्म की, तो आपको बता दूं जो हमारे पास जानकारी है कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे अगस्त के महीने में शुरू होंगे, और जब इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे तब भी हम एक वीडियो बनाकर आप तक जो जानकारी है वो यहाँ पे पहुंचा देंगे। तो ये रही यहाँ पे जानकारी आईआरबी की जीडी भर्ती के बारे में, जो 5000 जो वैकेंसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाली गई है आईआरबी की तरफ से। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल सही जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद जय भारत।